क्या ये जायज है। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं मैं कि मेरा एक गाना रिलीज हुआ करीना बलम जी मनमानी, जो कि म्यूजिक वाइड पे रिलीज हुआ, और मैं काफ़ी दिनों से बहुत सारी चीज़ें झेलते आ रही हूँ। आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी वाकिफ हैं इन चीज़ों से। बहुत दिनों से बहुत कुछ होता आया है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है कि मैं हर दिन लाइव आके आप लोगों से डिस्कस करूँ, आप लोगों से बताऊँ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे साथ ये हो रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ें मैं नहीं बता सकती, इसलिए लड़ती रहती हूँ हर दिन। हर दिन कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसा होता है जिसको मैं रियल बनिए, फेक मत बनिए। ये देखिए रिपोर्ट, ये आप लोगों के सामने म्यूजिक वाइट पर रिलीज हुआ था। देखते जाइएगा, कम से कम 800 रिपोर्ट मारा है सबने मिलके। I really don't feel like crying in front of you all. I don't want to cry. So sorry. तो ये लगातार ये सारे लोग रिपोर्ट मार रहे हैं। क्यों, आप में दम नहीं है क्या? आप में दम नहीं है क्या सामने आने की? ये सारे लोग ना, ये जो आप कर रहे हैं, ये एक आदमी नहीं कर सकता है। बुजदिल लोग कर सकते हैं, जो एक दूसरे को दबाना चाहते हैं ना, वो लोग कर सकते हैं, पर आपकी नियत पे जो है वो सामने आएगा ही। आपकी जो नियत है वो आपके सामने आएगा, मेरी जो नियत है वो मेरे साथ ही रहेगी, क्योंकि मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। मेरा हर किसी ने नाम बदनाम किया, लेकिन मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। सिर्फ अपने लिए स्टैंड लिया, ये मैंने गलती की आप लोगों के नजर में, ये मैंने गलती की, लेकिन मुझे लगता है मैंने गलत नहीं किया। कभी कोई गाना गा रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, मैंने कभी नहीं बोला आप लोगों को, और आप लोगों का भी हक नहीं बनता है इस तरीके से किसी को रोकने का। नहीं रुकूंगी मैं, कर लो जिसको जो करना है, और आप लोग भी जानते हैं ये जो ऐसे ऐसे जो चलता है ना, वो में से नहीं हूं मैं, वैसी लड़कियों में से नहीं हूं मैं, और समझना भी नहीं, मैं ऐसी ही रहूंगी। कुछ भी कर लो आप लोग, जब तक लोग मुझे प्यार कर रहे हैं मैं ऐसी खड़ी रहूंगी। देखती हूं कितना रिपोर्ट मारते हैं आप लोग। बस यही मैं शेयर करना चाह रही थी आप लोगों से।
कि आए दिन बहुत समय से बहुत कुछ हुआ है, वो सब आप लोगों के सामने है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ छुपाया नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे जितना चुप रहोगे ना उतना लोग दबाएंगे और आपको गलत साबित कर देंगे सबके नजर में। हर दिन जिस भी चैनल से जाएगा अच्छा अच्छा व्यू आ जाएगा, उसको रिपोर्ट मार देना है। आए दिन गंदे कमेंट्स करा देने हैं। क्यों? मैं तो चुपचाप दिन रात अपने काम में लगी हूं कि कुछ कुछ नया क्या कर पाऊं। आए दिन सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स को सबको कॉल कर करके बोलती रहती हूं कुछ नया करते हैं कुछ नया करते हैं। आपके घर में भी ईश्वर ने लड़की दिया है, मुझे लगता है शर्म करनी चाहिए आप लोगों को। करना ही है तो ना इंडस्ट्री के लड़कों से करो, जो आप लोग से ज्यादा ऊपर चले जा रहे हैं उन लोगों से करो ना, वो भी आएगा सामने। बस आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग अपना आशीर्वाद और हिम्मत मुझे देते रहें, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भी बिहार की बेटी हूं, मैं भी यूपी की बेटी हूं, मैं भी इसी भारत की बेटी हूं। ऐसी ही लड़ती रहूंगी, ऐसी ही डटी रहूंगी, जिसको जो करना है कर ले। और ये मन में कहीं से भी नहीं आना चाहिए कि गिर के गिड़गिड़ा के रोड पे आ जाएगी तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। नहीं, ये भ्रम हटा लेना आप सभी लोग मन से। गिर जरूर जाएगी लेकिन हिम्मत नहीं हारेगी, नहीं हारेगी। थैंक यू वेरी मच, मुझे सिर्फ यही बताना था और मैंने बता लिया, क्योंकि मेरे श्रोतागण को जानना ये बहुत जरूरी था। थैंक यू, प्रणाम, एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। कान पकड़ की सॉरी जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनके लिए कि वो मुझे रोता नहीं देखना चाहते हैं, पर हो नहीं पाया, कंट्रोल नहीं हो पाया, माफी दे दीजिएगा। सॉरी।